क्या वायु प्रदूषण का मानसून की देरी में कुछ संबंध हो सकता है? क्या वायु प्रदूषण का बढ़ती गर्मी से कोई संबंध हो सकता है? ये दो सवाल हैं और इनका जवाब है हाँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की स्टडी में ये बात सामने आई है कि कमजोर मानसून के पीछे वायु प्रदूषण एक बड़ा कारण है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कैसे एयर पॉल्यूशन मौसम के चक्र को प्रभावित कर रहा है और इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। मानसून में देरी कैसे बढ़ा रही है धरती का तापमान और साथ ही साथ प्रदूषण कैसे मानसून को प्रभावित कर रहा है, खेती को प्रभावित कर सकता है, मौसम को, गर्मी को प्रभावित कर सकता है। बड़ी दिलचस्प चर्चा आज की होने वाली है, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। वायु प्रदूषण की मार हमारी सेहत पर ही नहीं भारी पड़ रही है बल्कि धरती की सेहत को भी तेजी से प्रभावित कर रही है। बढ़ते वायु प्रदूषण का खतरा मानसून में देरी और धरती के बढ़ते तापमान की एक बड़ी वजह बन रहा है। पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM की एक स्टडी में कहा गया है कि कमजोर मानसून के पीछे वायु प्रदूषण का बड़ा हाथ है। स्टडी में शामिल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वायु प्रदूषण और वेस्ट पैसिफिक ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई बढ़ोतरी ने पिछले कुछ दशकों में भारतीय मानसून को कमजोर करने का काम किया है। यानी हवा में तैरती जहरीली गैस का असर हमारी हेल्थ के साथ साथ अब मौसमी गतिविधियों और देश में मानसून पर भी पड़ने लगा है। एक स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण से वर्षा की मात्रा कम हो रही है और बारिश के दिन भी घटने लगे हैं। वातावरण में मौजूद एरोसॉल धरती का तापमान बढ़ाने के साथ ही बादलों के बनने की प्रक्रिया और प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं। बता दें कि वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से एरोसॉल की मोटाई बढ़ती है, इससे गर्मी बढ़ती है और बरसात के मौसम में होने वाली बारिश प्रभावित होती है। एरोसॉल की मोटाई बढ़ने का असर बादल बनने की प्रक्रिया पर पड़ता है और बारिश की मात्रा कम हो जाती है। अब समझते हैं कि आखिर क्या है एरोसॉल। दरअसल एरोसॉल एक कोलाइड है, यानी हवा का ऐसा मिश्रण जिसमें ठोस या द्रव के सूक्ष्म कण एक समान रूप में बिखरे होते हैं। कार्बन और धूल के कणों से मिश्रित धुएं के अलावा कोहरा और स्मॉग एरोसॉल के उदाहरण हैं। जब बारिश होती है तब एरोसॉल में मौजूद कण पानी की बूंदों के साथ मिलकर जमीन पर आ जाते हैं। हालात ये आ गए हैं कि लोगों पर बढ़ती गर्मी और बढ़ते वायु प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। आने वाले दिनों में ये खतरा और घातक साबित हो सकता है। खासकर हार्ट और अस्थमा के मरीजों के लिए ये स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं पर भी एयर पॉल्यूशन और बढ़ती गर्मी के चलते मानसून का बदलता चक्र घातक साबित हो सकता है। दक्षिण एशिया क्षेत्र में अभी ये खतरा 2% के करीब है, जिसके 2050 तक 25% तक बढ़ने के अनुमान है। वहीं ये भी अनुमान है कि इस खतरे से दक्षिण एशिया क्षेत्र की करीब 52% आबादी प्रभावित हो सकती है। फिलहाल तो प्रकृति ने हमें खतरे का संकेत दे दिया है और अगर हम समय रहते विकास के मॉडल को नहीं बदलते हैं तो मौसम की मार की चपेट में आते हमें देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।